हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सबका दोस्तों आज के एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो स्टॉक मार्केट में अगर जो आप कभी भी इंटर करते हैं तो सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है वो जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो चीज आता है ये आता है कि मार्केट का ओपनिंग टाइम और ऑफ टाइम क्या है। तो मार्केट कितने बजे ओपन होता है और कितने बजे बंद होता है, आज की वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कमोडिटी हो, डेरिवेटिव हो, इक्विटी हो या फिर और भी कोई भी सेगमेंट हो, वो कितने बजे ओपन होता है और कितने बजे क्लोज होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि मार्केट में कब कब किस किस दिन हॉलीडे है, जो कि नेशनल हॉलीडे है या फिर किसी कारण से हॉलीडे है तो उस दिन बाजार बंद रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले मैं दिखाऊँ आपको, तो आपको गूगल के ऊपर टाइप करना है स्टॉक मार्केट हॉलीडे। और स्टॉक मार्केट हॉलीडे टाइप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ऊपर ही तीन चार रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे शो होके आ जाएगा। तो करंट रिजल्ट आ जाता है आपके सामने, अगर जो करंट में कोई ऑफ सेशन है तो वो आपके सामने यहाँ पे शो होके आ जाएगा। उसके बाद जो आता है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, एक ये देखिए यहाँ पे है www.nseindia.com, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं www.nseindia.com, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, ये ओपन हो जाएगा, कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा। और जैसे ही ओपन हो जाता है उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर जो स्टॉक मार्केट में आप हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होगा, और अगर जो आप नहीं हैं और स्टॉक मार्केट में इंटर करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो उसको आप ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंडिया का नंबर वन ब्रोकर है जीरोधा और दूसरा है ऑफ स्टॉक। तो इन दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफ स्टॉक का या फिर जीरोधा का, और उसके बाद से आप इजी वे में उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसके कारण ये चीज आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये देखिए इंटरनेट स्लो है, वाईफाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है अभी के डेट में, लेकिन कुछ दिन में ये सुधार हो जाएगा। तो अभी देखिए आपके सामने एक पेज ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले में इक्विटी लिखा हुआ है, तो इक्विटी क्या, इक्विटी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। इक्विटी का मतलब ये है कि जो भी शेयर आप ट्रेड करते हैं या फिर खरीदते बेचते हैं या खरीद के रखते हैं तो उसको हम लोग नॉर्मल तौर पे इक्विटी बोलते हैं। तो ये मार्केट की भाषा में उसको इक्विटी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है मार्केट का टाइम, अगर जो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर जो आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्री ओपन सेशन। तो प्री ओपनिंग सेशन जो मार्केट का होता है वो 9 बजे से लेकर 9:08 तक होता है, और रेगुलर मतलब नॉर्मल मार्केट हम लोगों के लिए ओपन होता है 9:15 पे। तो 9:15 पे यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, और 3:30 पे यानी 15:30 लिखा हुआ है, तो 3:30 पे हमारा यहाँ पे मार्केट जो है वो क्लोज हो जाता है हमारे लिए। उसके नीचे अगर जो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो सेटलमेंट होता है वो लास्ट यहाँ से 3:40 से लेकर 4 बजे तक हो जाता है। और ब्लॉक डील की बात करें तो देखिए ब्लॉक डील का मतलब ये होता है कि जो भी बड़े निवेशक हैं, बड़े निवेशक मतलब हो जाता है जो 100 करोड़ 200 करोड़ या फिर 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़, इस टाइप का बाइंग सेलिंग जिनको करना है उनको टाइमिंग दिया जाता है सुबह में 8:45 से लेकर 9 बजे तक का। उसके बाद से फिर आफ्टरनून में भी टाइम दिया जाता है 2:05 से लेकर 2:20 तक। तो इसमें जो ब्लॉक डील होता है वो होता है इस टाइम में। तो ये आप समझ गए होंगे कि इक्विटी के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी, बाकी आप रीड भी कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट हॉलीडे के बारे में लिखा गया है, तो जो भी डेट है यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब का सब हॉलीडे जो है इस साल के लिए बीत चुका है, अभी दिसंबर में कोई मार्केट हॉलीडे है नहीं, तो बाकी सब हॉलीडे हम लोग झेल चुके हैं और अभी कोई हॉलीडे हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर में 26 जनवरी को हम लोग को हॉलीडे पहला देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा, मिल सकता है क्या। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पे और भी है, इक्विटी डेरिवेटिव है। तो इक्विटी डेरिवेटिव पे भी अगर जो आप आते हैं तो सेम टाइमिंग है, सब कुछ सेम ही रहता है।
उसके नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कमोडिटी है। कमोडिटी डेरिवेटिव इसलिए लिखा गया है क्योंकि कमोडिटी के शेयर को आप खरीद के रख नहीं सकते हैं, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप एक महीने के पीरियड के लिए उसको बाई सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कमोडिटी डेरिवेटिव हम लोग उसको बोलते हैं। और उसका अगर टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल मार्केट ओपनिंग सेशन जो होता है वो होता है सुबह के 9 बजे और ये रात को बंद होता है 11:30 बजे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 23:30 लिखा हुआ है, तो 23:30 को अगर जो इंडिया में देखेंगे तो वो लगभग हो जाएगा 11:30 पे। यहाँ पे देखिए 11:55 में फाइनली सेटलमेंट हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन हम लोगों का जो काम है वो है 11:30 तक हम लोगों का सारा ऑर्डर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जाना कि इंडियन मार्केट का ओपनिंग टाइम क्या है और मार्केट बंद होने का टाइमिंग क्या है। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज मेक श्योर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर जो आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद से स्टॉक मार्केट में आप भी एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।